टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नज़र। हज आर्गेनाइजर एसोसिएशन होप इस्लामाबाद जोन के इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबात कल 19 सितंबर बरोज हफ्ता को मुनाकिद होंगे। इस ज़मन में होप की जानिब से इस्लामाबाद जोन के तमाम मेंबरान के एजाज़ में इस्लामाबाद क्लब में आज रात एशाई का अहतमाम भी किया गया है। इधर मौजूदा फाउंडर ग्रुप क्यादत ने फरवरी तक सितंबर तक अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी के आगाज़ में होप पाकिस्तान की मुतअद्दिद मीटिंग्स हुईं, जिसमें हज पॉलिसी पैकेजेस एसपीए और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान हज पैकेजेस मंजूर कराए गए, एसपीए को फाइनल शक्ल दी गई, सिर्फ 6 नकात बाकी रह गए थे। दौरान हज एएसए ऑपरेशन की भरपूर तैयारी की गई। हज आर्गेनाइजर की कंट्रीब्यूशन से 2010 में कायम होने वाले एचसीएफ का कोई वाली वारस ना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे गहरी खाई से निकाल कर होप की मलकियत मिलाए, अब ये होप के नाम पर है। वजारत मजहबी अमूर ने सीडीसी में एक फैसला दिया कि पेशावर की किसी कंपनी ने अपने कोटा से ज्यादा बुकिंग की और हजाज की रकम हड़प कर गया। फैसला आया कि तमाम मुतासर हजाज को एचसीएफ से अदायगी की जाए, जिस पर हमने एचसीएफ बाइलाज बनाकर 12 करोड़ अदा करने से महफूज किया। इनकम टैक्स के हवाले से भी मुतअद्दिद इजलास हुई और अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज ज़ैल फवाइद बगैर किसी खर्च के हासिल किए। 2020-21 में हज आर्गेनाइजर का टैक्स 0% करा दिया गया। याद रहे कि 2021 में जो हज होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। अभी जिन कंपनियों को एडवांस टैक्स के नोटिसेज भिजवाए गए हैं वो भी गैर मौसर होंगे। बैरून ममालिक भिजवाई गई रकम भी आइंदा साल के लिए काबिल टैक्स नहीं होगी। बकिया रकम पर शरह टैक्स कम से कम 0.5% होगी। 2019-20 का ऑडिट हो गया है। रिपोर्ट ऑडिटर से बाकायदा वसूल होने पर शाया कर दी जाएगी। हज उमरा एक्ट में अच्छी काविश करते हुए हज आर्गेनाइजर के खिलाफ शिकों को खत्म कराने की कोशिशें जारी हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। गैर ज़रूरी केसेस में होप को उलझाने से बचाने की भरपूर कोशिशें की गई। टेबल टॉक और मौसर मुज़ाकरात का रवैया बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी 2 से 2.5 करोड़ रुपए बचाने में कामयाब हुए। हमने एचसीएफ के हवाले से ये तजवीज़ सेंट्रल होप को दे रखी है कि फिल वक्त इसे हज आर्गेनाइजर को लौटा दिया जाए।